गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आपके खिलाफ मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कोख स्तंभन, अमली या सिपली, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया है या आप हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, मैनुअल जन्मपत्री निर्माण, सुंदरकांड, महामृत्युंजय जप, विवाह संस्कार आदि कराना चाहते हैं तो गुरुजी से इन नंबरों पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9807-2255-23, व्हाट्सएप नंबर 9807-2255-23। 19 सितंबर गुरुवार, आज का पंचांग श्री सुसंबत 2081, शक संबत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि और द्वज तिथि यानी प्रथमा तिथि 7:29 तक, द्वज तिथि प्रातः 5:27 तक रहेगा। उत्तराभार पर नक्षत्र दिन में 11:22 तक, तदुपरांत रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वृद्धि योग रात में 11:49 तक, तदुपरांत ध्रुव योग आरंभ होगा। कौलवकरण प्रातः 6:29 तक, तैतिलकरण शाम को 5:28 तक, गर्ककरण प्रातः 4:27 तक। दिशा सूल दक्षिण दिशा परिहार जीरा, आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अगर यात्रा करना जरूरी तो जीरा खाकर यात्रा करें, शुभता बढ़ जाती है। सूर्योदय प्रातः 5:57 पर, सूर्यास्त सायंकाल 6:03। सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा मीन राशि में, चंद्रवास उत्तर दिशा, आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 से 3 तक, गुलिक काल प्रातः 9:30 से 10 तक, यमगंड काल प्रातः 6:30 से 7:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्तों में शुरू करते हैं तो आपके सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अश्विनी मास आज से आरंभ हो चुका है, द्वितीया श्राद्ध आज है। अब हम आपको आज के काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिन गुरुवार अमृत काल से स्टार्ट हो रहा है और अमृत काल में एक खास बात यह है, अमृत यानी काल निर्णय के हिसाब से दिन की शुरुआत प्रातः 6:00 से होती है, इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6:00 से होती है। तो गुरुवार अमृत काल की शुरुआत सुबह 6:00 से हो रही है। बाल 6:00 से 6:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 6:12 से 6:24 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 6:24 से 6:36 तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए सामान्य शुभ समय। वृद्ध 6:36 से 6:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृत काल रिपीट कर गया। बाल 10:48 से 11:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ। युवा 11:12 से 11:36 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:36 से
12 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ सामान्य समय, वृद्ध 12 बजे से 12:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। फिर आगे अमृत काल रिपीट किया, बाल 3:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय, युवा 3:24 से 4 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय, प्रौढ़ 4 बजे से 4:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य शुभ समय, वृद्ध 4:36 से 5 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। महेंद्र काल आ गया, स्टार्ट हो रहा है। बाल 5:12 से 5:24 तक किसी भी कार्य के लिए सामान्यता अनुकूल समय रहेगा। युवा 5:24 से 5:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलता रहे समय होगा। प्रौढ़ 5:36 से 5:48 तक किसी भी कार्य के लिए समय अच्छा है। वृद्ध 5:48 से 6 बजे तक प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय होगा। ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको रात्र के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। बाल रात्रि 10 बजे से 10:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ। युवा 10:36 से 11:12 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:12 से 11:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय। वृद्ध 11:48 से 12:44 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि काल निर्णय के अनुसार दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अगर हमारे बताए गए शुभ मुहूर्तों से आपने लाभ उठाया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। हमारे इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। जय माता दी।